मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। अगर मैं आपको कहूँ कि कल जो दोनों फिल्म थी गोल्ड और सत्यमेव जयते, इन दोनों ने साथ मिलकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो अभी तक का बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा अर्निंग करने का रिकॉर्ड है। जी हाँ, दोनों फिल्मों ने मिलकर 40 करोड़ के ऊपर तक की अर्निंग की है, जो अपने आप में एक कामयाब और एक बहुत बड़ी अर्निंग है। कहा यह भी जा रहा है कि 45 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुकी है अर्निंग, वो श्योर नहीं, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि 40 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। यानी कि कितना हुआ होगा दोनों फिल्मों का वो आपको बताऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी फिलहाल टॉप 5 फिल्मों की बात करता हूं। पहले तो हमारी गोल्ड और सत्यमेव जयते है, उसके अलावा किन चार फिल्मों का क्लैश हुआ तो सबसे ज्यादा अर्निंग थी, लेकिन उनकी अर्निंग थी इससे नीचे। तो अब सेकंड नंबर पे मैं जा रहा हूं, सेकंड नंबर पे आती है दिलवाले और बाजीराव मस्तानी। तो दिलवाले ने 21 करोड़ कमाए थे, इनका क्लैश हुआ था, और बाजीराव मस्तानी 12.80 करोड़ कमाई की थी, यानी 12.80 करोड़ टोटल था दोनों का मिलाकर, दोनों फिल्मों का 33.80 करोड़, यानी कि जो 40 करोड़ के प्लस हुआ है गोल्ड और सत्यमेव जयते का उससे काफी कम था। 33.80 करोड़ दिलवाले और बाजीराव मस्तानी साथ में कमाए थे। तीसरे नंबर पर आती है रईस और काबिल, ये दोनों फिल्म का जब क्लैश हुआ था 20.42 करोड़ इसने कमाया था रईस ने, यानी कि 20.42 करोड़, और काबिल ने कमाया था 10.43 करोड़, यानी 10.43 करोड़ टोटल हुआ था उनकी फिल्म का 30.85 करोड़ फर्स्ट डे का साथ मिलाकर। अब जब तक है जहां की बात करता हूं, सन ऑफ सरदार की बात करता हूं, जब तक है जहां 15.23 करोड़ इसने कमाई की थी 15.23 करोड़, और सन ऑफ सरदार ने कमाई की थी 10.72 करोड़, यानी 10.72 करोड़ टोटल कलेक्शन था 25.95 करोड़, यानी 25.95 करोड़। पांचवे नंबर पे आती है एदिल है मुश्किल और शिवाय, एदिल है मुश्किल ने पहले दिन कमाई की थी 13.30 करोड़, यानी 13.30 करोड़, और शिवाय ने कमाई की थी 10.24 करोड़, 10.24 करोड़ टोटल हुआ था 23.54 करोड़, यानी कि 23.54 करोड़। ये तो ये टॉप 5 फिल्में थी जो सबसे ज्यादा कमाई करने में कामयाब हुई है क्लैश के बावजूद, सबसे ज्यादा क्लैश होने के बावजूद दोनों मिलाकर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों के बारे में बात कर रहा हूं। यानी कि अब बात करते चलिए वापस से गोल्ड और सत्यमेव जयते कितना हुआ होगा। गोल्ड 25 करोड़ के आसपास होगी या उसके ऊपर होगी, और सत्यमेव जयते करीबन करीब 20 करोड़ तक टच कर दी होगी, 18 से 20 करोड़। तो ये मिलाकर आंकड़ा जो आता है 20 करोड़ के ऊपर सीधा सीधा, दोनों का मिलाकर 40 करोड़ के ऊपर सीधा सीधा जाता है। यानी कि एक बहुत अच्छा क्लैश के साथ वीकेंड रहा है। यहाँ पे एक अच्छा मेजर फैक्टर ये भी रहा है कि इंडिपेंडेंस डे का एक जो है वो बहुत अच्छा हेल्प मिल गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिसे अपडेट आएंगे क्लैश में जरूर बताऊंगा। चलिए फिर कितना।